सो मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज किए थे कि आप प्लीज़ LIC का जो जीवन सरल प्लान है उस पर आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारी अभी मार्केट में बात चल रही है कि जो पहले जीवन सरल करके जो प्लान था उसमें आपको लॉस होने वाला है, मतलब कि उसमें रिटर्न्स कमाने वाले या तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मार्केट में। सो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है, जीवन सरल है क्या। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आज का वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वो बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इन फ्यूचर में जब भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो मेरा नाम है स्मित ठाकर, आई एम योर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो LIC ने जो जीवन सरल प्लान था उसको 2004 में लॉन्च किया था एंड 2013 में जो जीवन सरल प्लान था उसको क्लोज कर दिया गया, मतलब कि 2013 में LIC के जितने भी पुराने सभी प्लान्स थे उसको क्लोज करके फिर नए प्लान्स लॉन्च किए थे LIC ने। सो अभी जो अगर आपको जीवन सरल का जो रिटर्न है उसके बारे में अगर जानना हो तो उससे पहले आपको जीवन सरल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो जीवन सरल का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना तो इसको हम कंपेयर करेंगे जो LIC के जो बाकी जो दूसरे सारे ट्रेडिशनल प्लान्स रहते उसके साथ हम जीवन सरल को कंपेयर करेंगे कि आपको एक बेटर आइडिया रहेगा कि किस तरह से जीवन सरल बना हुआ है और किस तरह से उसका मैच्योरिटी आएगा, मतलब कि किस तरह से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो हम एक स्टेप बाय स्टेप उसका कंपैरिजन करेंगे। सो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे प्रीमियम में। सो जीवन सरल का जो प्रीमियम का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका हम कंपैरिजन करेंगे उसके बाकी सारे जो प्लान्स रहते हैं, जो बाकी ट्रेडिशनल प्लान्स रहते हैं उसके साथ। सो प्रीमियम्स की अगर हम बात करें तो LIC के जो दूसरे बाकी ट्रेडिशनल प्लान्स है उसमें किस तरह से प्रीमियम लगता है। सो चलो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 25 साल का बंदा है और एक 35 साल का बंदा है, दोनों को 10 लाख की पॉलिसी लेनी है 20 साल की टर्म की, ठीक है। सो दोनों को सेम पॉलिसियाँ लेनी है, ठीक है। सो अभी अगर कोई ट्रेडिशनल प्लान होगा तो अगर दोनों 25 साल वाला बंदा और 35 साल वाला बंदा अगर 20 साल की 10-10 लाख की पॉलिसी लेता है तो दोनों को सेम मैच्योरिटी मिलेगी, क्योंकि एट द एंड सम एश्योर्ड सेम है तो दोनों को मैच्योरिटी सेम मिलेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि चलो मान लेते हैं कि जो 25 साल वाला बंदा है उसका प्रीमियम सालाना आता है 50,000 रुपया, तो जो 35 साल वाला बंदा है उसका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 60,000 या तो 65,000, एक रफली हम कैलकुलेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। सो यहाँ पे चीज़ क्या होगी कि जिसकी एज ज़्यादा होती है उसका जनरली लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम ज़्यादा ही आता है। अभी ये प्रीमियम ज़्यादा क्यों आता है? सो 25 साल वाले की कंपेयर में 35 साल वाला जो बंदा है उसकी लाइफ का रिस्क ज़्यादा है, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो उनको रिस्क कवर मिलता है, जो उनको कवर मिलता है लाइफ का, उसके जो चार्जेस रहते हैं जिसको बोला जाता है मॉर्टेलिटी रेट। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पर्सन को फ्री में लाइफ कवर नहीं देती, उसके पीछे भी उसके चार्जेस रहते हैं जिसको बोला जाता है मॉर्टेलिटी चार्ज। सो 35 साल वाला जो बंदा है उसका जो मॉर्टेलिटी चार्ज है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी लाइफ का रिस्क ज़्यादा है। इसीलिए जो 25 साल वाला बंदा है उसकी कंपेयर में 35 साल वाला जो बंदा रहता है उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो ज़्यादा रहती है। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, ताकि एक छोटी सी एज में छोटे प्रीमियम पे आपको बड़ा सा सम एश्योर्ड मिल जाए। अभी हम बात करेंगे जीवन सरल के बारे में। सो दूसरे प्लान्स के कंपेयर में जीवन सरल का जो प्रीमियम स्ट्रक्चर है वो पूरा उल्टा है। किस तरह से? यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेते हैं, 25 साल वाला बंदा है, 35 साल वाला बंदा है, दोनों को 10-10 लाख का पॉलिसी लेना है 20-20 साल की टर्म का। सो 10 लाख की दोनों को पॉलिसी लेनी है, 20-20 साल की टर्म है, यहाँ पे सब सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट सेम रहेगी दोनों में। मतलब कि अगर जो 25 साल वाला बंदा है उसका प्रीमियम अगर सालाना 50,000 आता है तो जो 35 साल वाला बंदा है उसकी भी प्रीमियम अमाउंट सालाना 50,000 ही आएगी। मतलब कि यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मैच हो गई, लेकिन यहाँ पे जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि जो मैच्योरिटी है उसमें आपका मॉर्टेलिटी चार्ज कट के आएगा। सो जो 25 साल वाला बंदा है उसको ज़्यादा मैच्योरिटी मिलेगी कंपेयर टू 35 साल वाले बंदे के। सो 25 साल वाले को ज़्यादा मैच्योरिटी मिली, 35 साल वाले बंदे को कम मैच्योरिटी मिली, क्योंकि 35 साल वाला जो बंदा है उसकी एज ज़्यादा होने की वजह से उसका मॉर्टेलिटी चार्ज यहाँ पे कट जाता है ज़्यादा। सो अभी हम बात करेंगे मैच्योरिटी के बारे में कि आखिरकार जो जीवन सरल है उसकी मैच्योरिटी और जो बाकी सारे प्लान है उसकी मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है। सो जो बाकी नॉर्मल सारे प्लान है उसमें सबसे पहले आइए जानते हैं कि मैच्योरिटी में पॉलिसी होल्डर को क्या मिलता है। तो चलो मान लेते हैं कि 20 साल की एक पॉलिसी है किसी पॉलिसी होल्डर ने ली है और अभी उसकी मैच्योरिटी आ गई है, जो उसने कोई एक ट्रेडिशनल प्लान लिया होगा उसकी, तो उसको अभी मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? सो मैच्योरिटी पे उस पर्सन को मिलेगा सबसे पहले तो सम एश्योर, मतलब कि जितने लाख की पॉलिसी है उतनी अमाउंट तो उसको मिलने ही वाली है, प्लस
उसके साथ उसको मिलता है रिवर्सनरी बोनस। अभी ये रिवर्सनरी बोनस क्या है? सो हर साल LIC जो है वो अपने जो प्रॉफिट है उसको डिक्लेयर करती है। सो उसके जो प्रॉफिट डिक्लेयर करती है उसके बेस पे उसके बोनस रेट्स डिसाइड होते हैं। सो पहले साल से लेकर 20वें साल तक हर साल जितने भी बोनस रेट्स उसने डिक्लेयर किए हैं उसका टोटल मिलाकर बनता है एक पूरा रिवर्सनरी बोनस। ये रिवर्सनरी बोनस उसको मिलता है, प्लस उसके साथ साथ उनको मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस। ये जो बोनस रहता है एक एडिशनल बोनस रहता है, एक एडिशनल एक बेनिफिट रहता है जो 15 साल या तो ऊपर से जो टर्म रहती है तो जो LIC है वो जो पॉलिसी होल्डर है उनको प्रोवाइड करती है। सो ये पूरी अमाउंट को मिला के उनकी एक मैच्योरिटी क्रिएट होती है। अब ये बात करते हैं कि जीवन सरल में जो पॉलिसी होल्डर है उनको किस तरह से मैच्योरिटी मिलती है। तो चलो मान लेते हैं कि सेम यहाँ पर भी 20 साल की टर्म ली है पॉलिसी होल्डर ने जिसने परचेस किया था जीवन सरल। अभी उसकी मैच्योरिटी आ गई, अभी उसमें क्या मिलेगा? सो मैच्योरिटी पे जीवन सरल में जो पॉलिसी होल्डर है उसको मिलेगा सबसे पहले तो सम एश्योर्ड, सेम जो ट्रेडिशनल प्लान था उसी की तरह यहाँ पर भी उसको सम एश्योर्ड तो मिल ही गया। लेकिन जहाँ पे ट्रेडिशनल प्लान में रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जीवन सरल पे मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड के साथ मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। जी हाँ, अभी ये लॉयल्टी एडिशन क्या है? सो ये लॉयल्टी एडिशन को बोला जाता है सिंपल रिवर्सनरी बोनस। ये जो रिवर्सनरी बोनस है उसका सिंपल वर्जन है, सिंपल रिवर्सनरी बोनस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लॉयल्टी एडिशन है वो वन टाइम एक बोनस रहता है। जो जब भी मैच्योरिटी रहती है वो साल में जो लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर किया होता है जो LIC ने वो पूरी अमाउंट को अंदर आपको इकट्ठा करके सम एश्योर्ड के साथ मिला के आपको पूरा मैच्योरिटी दिया जाता है। सो जो ट्रेडिशनल प्लान्स रहते हैं उसके कंपेयर में जो ये लॉयल्टी एडिशन बेस्ड जो प्लान रहते हैं वो टोटली डिफरेंट रहते हैं। सो यहाँ की जो मैच्योरिटी है वो भी टोटली डिफरेंट बनती है क्योंकि ये जो प्लान्स रहते हैं जो जीवन सरल तरह के जो प्लान्स रहते हैं वो रिवर्सनरी बोनस पे डिपेंड नहीं करते। वो जिस साल आपको मैच्योरिटी मिल रही है उसी साल की जो आपका लॉयल्टी एडिशन रहता है उस पर वो डिपेंड करता है। सो इस तरह से लोगों को मैच्योरिटी मिलता है। सो आइए अभी हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। सो चलो मान लेते हैं कि कोई बंदे ने ट्रेडिशनल प्लान लिया है और अभी उसकी जो पॉलिसी होल्डर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको डेथ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, उनकी फैमिली को क्लेम किस तरह से मिलेगा? सो डेथ क्लेम में उनकी जो फैमिली है उनको मिलेगा सबसे पहले तो बेसिक सम एश्योर्ड या तो फिर जो उन्होंने उनका जो सालाना प्रीमियम रहता है उसका 10 गुनी अमाउंट। सो दोनों में से जो ज्यादा रहती है वो अमाउंट प्लस जितने साल उन्होंने प्रीमियम पे किया है सो उसका जितना भी रिवर्सनरी बोनस मिलता है वो मिलेगा, प्लस अगर वो फाइनल एडिशनल बोनस के लिए एप्लीकेबल होते हैं तो ये सारी अमाउंट को मिला के उनका एक डेथ क्लेम बनता है जो उनकी फैमिली को मिलता है। सो आइए अभी हम बात करते हैं कि जो जीवन सरल का जो पॉलिसी होल्डर है उसको डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलता है। सो अगर जो जीवन सरल पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम में मिलती है सबसे पहली चीज़ कि जो पॉलिसी होल्डर था उसकी जो मंथली प्रीमियम अमाउंट थी उसका 250 times। मतलब कि अगर चलो मान लेते कि वो महीने का 10,000 रुपया प्रीमियम पे कर रहा था तो उसका 250 times हुआ 25 लाख रुपया। सो 25 लाख रुपया तो मिलने ही वाले, प्लस उस साल की जो भी लॉयल्टी एडिशन उसका बनता है उसको मिलाकर जो उसकी क्लेम अमाउंट बनती है वो उनकी फैमिली को दी जाती है। सो 250 times ऑफ द मंथली प्रीमियम प्लस जो उनका लॉयल्टी एडिशन बताए उसको इकट्ठा करके जो अमाउंट बनती है वो जीवन सरल उसकी क्लेम अमाउंट, उसकी डेथ क्लेम अमाउंट बनती है। सो हमने जीवन सरल का जो प्रीमियम स्ट्रक्चर है उसके बारे में जाना, उसका मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जाना, हमने उसके डेथ बेनिफिट के बारे में जाना। फिर भी बहुत सारे लोगों के माइंड में उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोगों के माइंड में गलत फहमियाँ थी, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सो कॉमनली लोगों के माइंड में तीन तरह की गलत फहमियाँ या तो क्वेश्चन हम बोल सकते हैं वो थे। सो सबसे पहली एक गलत फहमी थी कि हर एक एज वाले लोगों को सेम मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। सो मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया कि यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हर एज के लिए सेम था, दैट्स वाई हर एज के लिए जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो डिफर करती है बिकॉज ऑफ द मोर्टैलिटी चार्जेस फॉर द डिफरेंट एजेस। मतलब कि अलग हर एज के हिसाब से उसका मोर्टैलिटी चार्ज जो रहता है वो अलग अलग रहता है, इसलिए उसकी जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग रहती थी। सो इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी आगे कवर कर लिया इसी वीडियो में। अभी जो दूसरा क्वेश्चन था लोगों के माइंड में या तो दूसरी एक मेंटालिटी थी लोगों की कि भाई यहाँ पे इसमें तो हमें लॉस ही दिखने वाला है। सो मैं इसका आंसर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता हूँ कि भाई इसमें आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको कंपलसरी आपकी जितने टर्म की पॉलिसी है उतने टर्म तक आपको पॉलिसी कंटिन्यू रखना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे उसका प्रॉफिट आपको दिखने ही वाला है। क्योंकि आप किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, अगर आप टर्म से पहले अगर आपका पॉलिसी ब्रेक करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखने वाला, लेकिन आप जब तक पूरी टर्म तक पॉलिसी का प्रीमियम भरोगे तो आफ्टर दैट आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है। सो इसमें आपको किसी भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखने ही वाला है। जो तीसरी चीज़ जो लोगों के माइंड में कॉमन है कि जो जीवन सरल है इसमें आप 10 साल के बाद पैसे प्रॉफिट के साथ
निकाल सकते हो। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूनिट प्लान्स को छोड़कर आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यूड करते हो या तो फिर आप बीच में से पैसे निकालते हो कभी भी, अगर वो ट्रेडिशनल प्लान हो या तो फिर लॉयल्टी बेस्ड प्लान हो। सो जो कंपनीज रहती है, चलो मान लेते किसी ने 20 साल की पॉलिसी परचेस की, तो कंपनी उसको 20 साल का पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके दे देती है कि भाई हम आपको 20 साल में इसी तरह के बेनिफिट देंगे, डेथ होगी तो ये बेनिफिट देंगे, मैच्योरिटी होगी तो ये बेनिफिट देंगे। सो पहले से ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनता है। सो जब भी आप बीच में पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हो या तो सरेंडर करते हो, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो। सो जब भी किसी भी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, तो वहाँ पे जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है उसको लॉस तो दिखने ही वाला है। सो यहाँ पे इंश्योरेंस फील्ड में ये रहता है कि आप बीच में जब भी पॉलिसी सरेंडर करवाते हो, तो सबसे पहली चीज़ कि आपने चलो मान लेते कि 10 साल बाद आप यहाँ पे सरेंडर करवा रहे हो, तो 10 साल तक आपने जो रिस्क कवर लिया है उसका जो मोर्टालिटी चार्ज है वो तो उसमें से कटने ही वाला है। प्लस आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो, सो आपको उतनी सफिशियंट अमाउंट जितना आपने प्रीमियम पे किया शायद उतना भी आपको ना मिले या तो फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिले। सो आपको सेटिस्फेक्शनरी जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप पूरी टर्म तक अगर आप प्रीमियम पे करते हो, तो डेफिनेटली आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जो टैक्स फ्री रहता है वो हर एक आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। लेकिन अगर आप उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करवाते हो, तो आपको लॉस दिखेगा ही दिखेगा। सो 10 साल में आप 10वें साल पे अगर आप पॉलिसी बंद करवाओगे तो आपको लॉस दिखेगा, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिसकी जितनी लंबी टर्म होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट उस पर्सन को मिलने वाला है। सो मतलब कि अगर कोई बंदा 15 साल की टर्म की पॉलिसी लेता है और कोई बंदा 20 साल की टर्म की पॉलिसी लेता है, तो 20 साल की जो टर्म की पॉलिसी जिस बंदे ने ली है उसको मैच्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। सो जितनी ज़्यादा लंबी टर्म उतना ज़्यादा बेनिफिट, जितनी कम टर्म उतनी सॉरी एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा लंबी टर्म होगी उतना ज़्यादा पर्सन को, पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि 15 साल की टर्म वाले को जितना बेनिफिट मिलेगा उसकी कंपेयर में जो 20 साल की टर्म लेके खड़ा होगा जो बंदा, जो पर्सन होगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस फील्ड में। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो जीवन सरल जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसको हम कोई भी किसी भी तरह की जो ट्रेडिशनल प्लान है उसके साथ हम इसका रिटर्न और इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जीवन सरल है उसके खुद के सेपरेट बेनिफिट्स से, उसके खुद के सेपरेट यूएसपी पॉइंट्स से। सो इसके बेस पे हम इसको जज ना करें तो वही सबसे ज़्यादा बेटर है। सो आई होप कि आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और हो सके उतना मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों के माइंड में जो गलत फहमियाँ हैं या तो फिर लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स है वो इस वीडियो से दूर हो जाए। और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वो बेल आइकन को दबाएगा। अगेन आपको मैं जब भी इन फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड स्टे एट होम।